जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे कि स्वास्थ्य संबंधी जो खतरे हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, सभी पर हम विस्तृत जानकारी आज प्राप्त करेंगे। देखिए, स्वास्थ्य कभी भी किसी का खराब हो सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य जो है अनिश्चित है। तो सबसे पहली बात, जो अभी वायरस चल रहा है जिससे कि पूरी दुनिया त्राहिमाम है, तो आप कुछ इन टिप्स से इससे बच सकते हैं और ख़ुद के स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। सबसे पहली बात, जो लॉकडाउन है उसका तो हमें पालन पूर्ण रूप से करना है। जितना घर के अंदर रहेंगे उतना सबसे अच्छा रहेगा। दूसरी बात है कि आप गर्म पानी का सेवन करें। गर्म पानी का मतलब ये नहीं कि उबाल कर उसे पीना है, उबाल कर उसे अच्छा उबाल लें और हल्का गुनगुना पानी, जैसे चाय जिसे हम पीते हैं उसी हिसाब से आपने दिन में दो चार, जितनी भी बार आप पानी जो ठंडा पीते हैं उसके बजाय उस गर्म को पीना शुरू कर दें। दूसरी बात है कि हम जो खान पान है हमारा पूर्ण रूप से सात्विक रखें, क्योंकि सात्विक खाने में ईश्वर का वास होता है और सात्विक खाना खाने से भी शरीर की इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। वो तो एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन सात्विक ही भोजन करें। तीसरी बात है कि हाथ अच्छे धोएं, जो सभी आपको ये बता रहे हैं कि हाथ अच्छे धोना ही है हमें। लेकिन साथ साथ दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कोशिश ये करें कि हर एक व्यक्ति घर में भी डिस्टेंस बना के रखें, और अगर कोई इस तरह का आपको लगे कि हमें तकलीफ़ है तो प्लीज़ डॉक्टर के या जो भी आपके इर्द गिर्द हॉस्पिटल हैं वहाँ संपर्क जरूर करें। अब ये तो सामान्य बातें सभी आपको पता है, लेकिन मैं कुछ अलग सी बातें हैं जिन बातों को आपको करने के बाद बहुत सारी चीज़ें हो सकती, जो एक आध्यात्मिक दायरा है। हम अभी अंदर हैं तो ईश्वर का जप करें। आप जितना जप करेंगे उतना अच्छा रहेगा। भगवान का नाम लें, महामृत्युंजय का जाप करें, जो आपके इष्ट देवता उनका जाप करें। आपके पास जो कुछ भी आध्यात्मिक जितनी जानकारी उन्हें दुरुस्त करें और अच्छी आध्यात्मिक किताबें पढ़ें और आनंदमय हो रहें, क्योंकि अध्यात्म एकमात्र ऐसी सत्ता है जो आपको खुद से मिला सकती है इन खाली पलों में। मैं जानता हूँ आर्थिक हालत ख़राब होंगे, ये भी जानता हूँ कि बहुत से लोगों के पास खाने को भी नहीं होगा, तो प्लीज़ आप आसपास जहाँ भी आपसे जो बन पाए वो मदद करें। लेकिन हमारे पास अभी केवल और केवल एकमात्र उम्मीद जो है वो यही है। इसलिए ईश्वर का जितना हो सके जप करें, नाम लें, और जो सावधानियाँ इन सावधानियों को अतिरिक्त जागरूक होकर आप अपनाएं। जागरूक नहीं, अतिरिक्त जागरूक, क्योंकि दोस्तों ये जो पल हैं, ये जो क्षण हैं, थोड़े तकलीफ दे जरूर हैं और ये भी बीतेंगे, फिर से सब चीज़ें सामान्य होगी मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर आप इस समय का इस तरह उपयोग नहीं करेंगे तो बाद में कुछ हाथ नहीं आना है। तो इसलिए ईश्वर का जप करें, जितना हो सके जप करें, और जो जो मैंने बातें बताई इसे फॉलो आप करते रहें। काढ़ा बना के पी सकते हैं आप, गर्म पानी पी सकते हैं आप, दूध में हल्दी पी सकते हैं, और कपड़े रोज़ साफ पहने, जो कपड़े आप पहने उन्हें साफ पहने रोज़, जो क्योंकि घर में रहते हैं तो हम एक ही कपड़े जो है हमारे पहनते हैं, क्योंकि कहीं बाहर जाते हैं तो बार बार कपड़े, लेकिन घर में भी कोशिश ये करें कि रोज़ साफ कपड़े पहने। ये बातें आपको कहीं हद तक बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा, और इन चीज़ों को फॉलो करने से भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और एक और बात है, आप ईश्वर का जप जरूर करें। अगर आपको बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स में लिखना है जय श्री महाकाल, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।